राजा परीक्षित पूछते हैं कि बलि को ही दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? और भी दैत्य थे, क्योंकि पहले से युद्ध तो बाकी दैत्य करते आ रहे हैं समुद्र मंथन के समय या बाकी जो युद्ध हुए, अचानक से बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत था। अब ये इस समय की बात हो रही है जब समुद्र मंथन में देवता जीत चुके थे, तो बोले ये डकैत था, इसने पूरी जिंदगी पाप किए। एक बार इसे पता चला कि कोई बड़ा सेठ किसी जंगल के रास्ते से दूसरे गांव में जा रहे हैं और इतना धन लेकर जा रहे हैं अपने साथ कि अगर वो धन चुरा लिया जाए तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने रास्ते के लिए दो रोटियां बांधी, वो उस गांव में जा रहा था, दो के बीच रास्ते में भूख लगी तो भोजन कर लूंगा। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन वो स्नान इत्यादि करते हैं, भोजन करने ही बैठे हैं कि सामने से एक कुत्ता आता है, भूखा था वो रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने उसे वो रोटी, एक रोटी दे दी। एक रोटी खाने के बाद वो फिर आता है, उसे और भूख लगी है, तो बलि ने अपनी दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को दे दी। इस पूरे कार्य में कुल 24 मिनट लगे जब तक वो भोजन कर रहा था। उसके बाद फिर वही पाप इत्यादि, चोरी, डकैतियां। अंत समय आता है, ऊपर जाते हैं चित्रकूट से, यमराज पूछते हैं कि बताओ खाते में क्या क्या है। सब यही होने वाला है महाराज, इसलिए मैंने कहा ना टिकट जरूरी है, वहां पर पूरा खाता बनाया गया, लिखा गया है कितने पाप किए कितने पुण्य किए। तो यमराज ने कहा बताओ, तो बोले चित्रगुप्त कहता है कि इसने जिंदगी भर पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन करवाया था। अब यहां राजा से पूछा गया बलि से कि बताओ पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? अब उस रास्ते से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, उन्होंने सारी बातें देख ली, उन्होंने कहा कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य? बोले क्या करना चाहते हो पुण्य में? जैसा मैंने कहा स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कि कह दो मुझे इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा मुझे इंद्रासन पर बैठना है। कैसे तैसे इंद्र को मनाया गया कि 24 मिनट की बात है, उसके बाद तो उठ जाएगा। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। बलि ने कहा ठीक है मैं वैसे ही करूंगा। इंद्रासन पर बैठाया जाता है, बैठते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब भूल जाता है क्या करने को कहा था। अप्सराओं से नृत्य करने को कहता है, भोजन मंगाता है, पूरे सुख सुविधाओं में बैठा है, आनंद ले रहा है। 10 मिनट इसी में चले जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करने को भेजा था और क्या कर रहा है ये? नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने खींच कर उसके सर पर वो पत्थर मारा, चोट लगी, ध्यान आया मुझे क्या करना था। ये जो दुख संकट मिलते हैं ना, ठाकुर जी हमें पत्थर फेंक कर मारते हैं, बताते हैं कि मैंने तुम्हें क्या करने को भेजा था, तुम क्या कर रहे हो। अब यहां बलि तो समझ गए, पर हम ऐसे हो गए हैं कि पत्थर छोड़ो पूरा पर्वत भी हम पर कोई फेंक दे फिर भी हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो इतने से पत्थर से बलि समझ गए। बलि तुरंत खड़े होते हैं, गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए, जल देते हैं। फिर कहते हैं बलि कि अभी इस 3 लोक 14 भुवन इसका मालिक मैं हूं। देवता सब खड़े थे, सबने कहा हाँ, और अभी 10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट के लिए तो तुम हो। तो बोले तो ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता। अरे महाराज, अब यहां पर ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, आकर देख रहे हैं सामने बलि खड़ा है, शुक्राचार्य जी खड़े, जोर से चिल्लाते ये क्या कर दिया, इंद्रासन दान में दे दिया, कुछ कर नहीं सकते। अब यमराज ने कहा चलो अब पाप की बारी है। बलि ने कहा कैसे पाप? जिसने साक्षात भगवान के सामने से दर्शन कर लिए हो, नाम लेने से इंसान नरक लोक नहीं जाता अंत समय में, मैंने तो साक्षात दर्शन कर लिए हैं,
अब काय के पाप और कहां का नर्क। ठाकुर जी कहते ये है गुरु की महिमा, इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। उसने 3 लोक 14 भुवन दैत्यों को वापस दिए थे।